खुले में शौच के लिए मजबूर आमजन, पार्क बना अय्याशियों का अड्डा, नगर परिषद मौन। बड़ी खबर शिवपुरी जिले की नगर परिषद पोहरी से है। हम आपको बता दें कि पूरी नगर परिषद की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ देश में शासन व प्रशासन स्वच्छता के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद पोहरी के अलावा अधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए स्वच्छता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हाँ, मामला नगर परिषद पोहरी का है, जहाँ पोहरी नगर परिषद को बने हुए लगभग 15 माह होने के बावजूद आज दिनांक तक पोहरी मुख्य चौराहे पर एक भी शौचालय नहीं बनी हुई है। वहीं आमजन शौच के लिए इधर उधर खुले मैदान में दर दर की ठोकरी खाते हुए दिखाई देते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर ही शौच करते हुए नजर आते हैं। वहीं पोहरी मुख्य चौराहे पर बना पार्क आजकल चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि पोहरी चौराहे पर बना पार्क अय्याशियों का अड्डा बना हुआ है। इस पार्क में रात के समय शराबी शराब पीते हुए नजर आते हैं, वहीं दिन भर आमजन शौच के लिए पार्क का उपयोग करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण नगर परिषद आला अधिकारियों की मनमर्जी के चलते घटिया रवैया है। नगर परिषद ने आज तक एक भी ऐसा शौचालय धरातल पर नहीं बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि पोहरी नगर परिषद क्षेत्रवासी भगवान के भरोसे जी रहे हैं। आला अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आगे देखना ये होगा कि क्या शासन या प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा नगर परिषद की और कोई ध्यान देकर ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो यहाँ जो नगर परिषद द्वारा कोई शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है क्या? पे तो ऐसे ही शौचालय वगैरह सोच वगैरह ऐसे ही करते रहते हैं। खुले में तो खड़ा होना पड़ता है, महिलाओं के लिए तो ज़्यादा परेशानी आती है। बेचारी महिलाओं को संबंध हो गए, थोड़े में तो बाथरूम में जाना पड़ता है। अच्छा, तो नगर परिषद को कभी कोई आदमियों ने मतलब मुद्दा उठाया नहीं है? किसी ने नहीं उठाया। जितने भी पार्षद वगैरह बने हैं इनको भी कोई कहना उसकी लोग ध्यान नहीं। पोहरी में जो नगर परिषद द्वारा जो पार्क बनाया है, इसमें जो अय्याशी का अड्डा बना हुआ है और शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? श्रीमान जी, इसकी शिकायत पूर्व में कई बार कर चुके हैं CMO साहब के पास। यहाँ ये कंडीशन है, जनता का पैसा व्यर्थ में जा रहा है और देखने को आपको दिखेगा जहाँ गंदगी का अंबार है। ये घूमने के लिए पार्क बनाया था, इस तरीके की व्यवस्था है और 10,000 से ज़्यादा चौराहे पर जनता का आवागमन है, इसके बाद भी शौचालय नाम की कोई चीज़ नहीं है। नगर परिषद सिर्फ अपनी फर्जी बिलों के लिए लगी हुई है, जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आप देख सकती हो जिस प्रकार से देखो ये दारू अय्याशी का अड्डा बना हुआ है और यहाँ रात में आकर दारू पीते हैं लोग। प्रशासन न शासन की तरफ कोई इसका ध्यान नहीं है किसी प्रकार का। CMO साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं इस ओर विशेष ध्यान दें।